सत्संग जी प्यार से कहना दान निर्गाय जी। आज मुक्ति पर्व के अवसर में हम सब यहाँ वो महापुरुषों को सबको ही उनकी जीवन से जो जो शिक्षाएं हमारे इतने अनमोल हमारे किरदारों में जो बस रही हैं तो वो शिक्षाओं को जहाँ हम याद कर रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं कि हमारा जीवन उसी अनुसार पल पल बीतता जाए। क्योंकि जैसे आज सत्संग में भी बार बार श्रवण करने को मिला कि ये जो असली है मुक्ति का शब्द, इसको इसलिए नहीं जोड़ा गया कि ये शरीर की यात्रा संपन्न होने के बाद मुक्ति मिलनी है, पर जो ये जीवन मुक्त की बात होती है कि ये सब वो महापुरुष थे जो जीते जी ही अपनी मुक्ति ले गए। ये ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त कर लिया और उस पे अपने ज़िंदगी को आधार बनाकर पूरी ज़िंदगी बाकी की जो बीती तो वो ही उनको मुक्ति जीते जीते ही दे गई। और जो जीते हुए ही मुक्त हो गया तो ये निश्चित ही है कि मृत्यु के बाद तो वो मुक्ति है ही है। तो हम भी वही, चाहे आज शहनशाह जी की बात, जगत माता जी की बात, राज माता जी की बात, और अभी जिस तरह सद्गुरु माता सविंदर जी भी इस श्रृंखला में, तो वो भी जो भी बात है कि साथ में, चाहे ये सात सितारों की बात हो रही है या जो भी दासी, तो इस एक्सटेंड तक भी जाके बोलना चाहेगी कि आज तक जो भी ये संनिरंकारी मिशन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो जो भी महात्मा ब्रह्मलीन हुए हैं तो वो सबका ही आज का ही दिन है कि किस तरह सभी की ये जो मुक्ति है ये निरंकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हो गई। और ऐसे ही हमें भी अपने कर्मों में वो सब डालना है जो शुरू से ये मिशन में सिखलाया है, जो इतने महापुरुष जो इस मिशन में इतने विश्वास को लेकर ये अपने आप को अर्पण करते चले गए और उन्होंने जो जैसा जीवन जिया हमको भी वही गुण अपने जीवन में डालने हैं। जिस तरह ये सिर्फ, अगर बात और की जाए कि ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की नहीं, अगर ज़िंदगी में भी देखें तो चाहे हमारे अहंकार से हमारी मुक्ति, ये नफ़रत, ये वैर, ईर्ष्या, कोई भी ऐसा जो ये बुरा एक आचरण में जो बात आती है या सोच में आती है, वो हर एक ख्याल से मुक्ति, हर एक वो अपने स्वभाव के उन अंगों से मुक्ति, और अपने बाकी भी जिस भी चीज़ पे हैं जो ठीक नहीं है वो सबसे मुक्ति। तो ये ही सच्ची मुक्ति है कि हम जब अपने जीवन में ही जीते जीते वो सब जिस दुनिया में जो जो भी है सिर्फ उसका अच्छा ही हिस्सा ले गए और बुराइयों को वहीं छोड़ दिया, तो अपने मन को हमने उस तरह एलिवेट करके वो मुक्ति उस रूप में भी प्राप्त की कि चाहे ये जीवन में हर चीज़ आसान भी नहीं है, हर पल ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं जो आसान नहीं होते, और कभी कभी हम अपने मन में उस तरह उनको बिठा लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अब मुझे थोड़ा और पत्थर दिल बनना है, अब मुझे परवाह नहीं करनी, या अब मुझे किसी का उस तरह जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया तो अब मुझे भी किसी से प्यार से पेश आने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल हमारे लिए ये ऐसी सोच कहीं हमको लेकर नहीं जाएगी। हम अपना पतन ही कर रहे हैं, हम अपने आप को और ख़राब ही कर रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल स्थिति आए, अगर हम इस संनिरंकारी मिशन के अनुयायी हैं तो फिर हमारी वही बात कि हमें खुद को हर पल वो एक सुधार अपना जहाँ करना है, ये सेल्फ करेक्शन के मोड में अपने आप को हर पल जहाँ डाल के रखना ही है। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति आगे हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही उस आचरण का प्रदर्शन करना है सबके आगे अपने मन से, कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, पर जिस तरह मन में हमारे ये सदियों से 90 वर्ष का जहाँ मिशन है तो वो जितनी भी सिखलाई इस मिशन की रही है उसी को आगे रखना है।
और कि ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा जब ले लिया तो हमारा ये अपने जीवन में वो सब चीज़ों से ही रक्षा हो गई जो हमारे हित के लिए नहीं है, क्योंकि हम अगर हर पल यही सोचे कि निरंकार कर दिया सब पूरा है तो कोई उसमें हमें कमी ही नहीं दिखेगी। तो उस तरह भी, और आज अगर देश की आज़ादी की बात भी करी तो भी जैसे सत्संग में महात्माओं ने बताया कि ये रूह की आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है, और जो देश के प्रति भी हम सबका एज सिटीजन जो कर्तव्य है तो वो भी जहाँ जहाँ पूरा करना है, वैसे भी समाज में जो भी जिम्मेवारियाँ हैं, हमारी परिवार में जो भी हैं, उनसे कभी पीछे नहीं होना है, और साथ ही साथ सब काम गृहस्थ के भी करते हुए फिर भी जो ये एक स्पिरिचुअल हमारा जो एक ये सेवा सिमरन सत्संग का जो हमारे जीवन में प्रायोरिटी रूप जो होना है उसको हमेशा हम वैसे ही अपने जीवन में ढालें और अपने जीवन की ये कड़ियों को इस तरह जोड़ें कि बाद में अगर हमें खुद ही नज़र डाल के देखें या और देखने वालों को भी ये पता लगे कि ये कड़ियाँ ऐसे जुड़ती गई जैसे एक खूबसूरत माला हो, एक हार हो, तो हम सब ऐसे ही इस निरंकारी मिशन के वो फूल बने जो इकट्ठे इस गुलिस्तान में सिर्फ अपनी अलग अलग जहाँ महक तो छोड़े, वो प्रभाव छोड़े, पर सबसे पहले वो फूलों वाले कांटों के बीच में रहने वाले उन फूलों वाले भी अगर हमें वो क्वालिटी अपने जीवन में पहले तो खुद में उस तरह डालनी है। और हम सबकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इस मिशन के प्रति हम जो जो आज तक सीखे हैं वो अपने जीवन में डालते हुए वही क्वालिटीज़ को दुनिया तक भी पहुँचाएँ कि हमारा मुख तो ज्ञान प्राप्त करके उजला हो गया, अब ये रोशनी हर एक तक पहुँचे, कोई भी ऐसा संसार का घर खाली ना हो जो इस प्रभु परमात्मा के दीदार इस निरंकार के वो जानने से वंचित रह जाए। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दातार सभी भी कृपा करे कि हम हर एक कर्म हमारा ऐसा हो जो इस मिशन के लिए ये हमारा एक अर्पण हो, एक बिल्कुल सेल्फलेस एक्ट की तरह, कि हमें मन में कुछ खुद के लिए नहीं, कुछ इम्पोर्टेंस बनाने के लिए नहीं, पर सिर्फ सरेंडर की भावना से वही जो है सीखा सत्संग में अपने व्यवहार में डालना ही सबसे बड़ी मिशन के प्रति हमारी एक वो कहें कि रिस्पेक्ट के तौर पे या जो सीखा उसका प्रमाण रूप में हम सब डालें। तो समय जहाँ और इजाज़त नहीं दे रहा दासी को अपने भाव मन के रखने की, अंत में फिर से यही प्रार्थना अरदास कि यही जो भी सिखलाई है हम पल पल जी पाएँ, और कभी भी ऐसी कोई चीज़ अगर हमें दर्द दे उसमें हमें उस समय भी हमें मिशन की सिखलाई को नहीं भूलना और पल पल यही रखना है कि अगर हम ये सोचें कि निरंकार अपने अंग संग हमेशा हैं तो हम वैसे भी कुछ जानबूझ के गलत नहीं करेंगे और इस मिशन का भी नाम रोशन करेंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी।